कल शाम से लेकर के अभी तक लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है और कई घायल हैं। और पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। जिनके परिजन जहरीली शराब से मरे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। इसके चलते वो लोग कह नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, क्या नीतीश कुमार जी आपकी यही शराबबंदी है? सैया भय कोतवाल तो डर का है का। जी हाँ, बता दें कि जहाँ शराब को लेकर के बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, एक तरफ से सफाई दिया जा रहा है शराबबंदी को लेकर, तो दूसरे तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर आप घर बैठे हैं तो भी आपके पास शराब पहुंच जाएगा। जी हाँ, लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी यह कहते रहे हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो फिर घर घर शराब पहुँच कैसे रही है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इन दिनों जो है बिहार में छठ पूजा की जो है तमाम तैयारी चल रही थी, लोग छठ में जो है छठ पूजा की पूजा पाठ में जुटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर शराबबंदी पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल्योर है। वहीं इन तमाम प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। पालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से अत्यंत ही दुखर खबर आ रही है। सुरेश राम, टिंकू राम, रोहित शर्मा, झगरू राय, सिकंदर शाह, ये सभी बहरामपुर, सोनवलिया और सिरसा मानपुर चूटाहा, इसी आसपास के रहने वाले ये सब लोग हैं। और इन लोगों की मृत्यु कल शाम से लेकर के अभी तक लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है और कई घायल हैं। और पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। जिनके परिजन जहरीली शराब से मरे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। इसके चलते वो लोग कह नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी आपकी यही शराबबंदी है? पहले गोपालगंज में खजुरबानी हुआ, उसके बाद सिधवलिया में, मोहम्मदपुर से सिधवलिया तक जो है सो कई दर्जन लोग मरे, और आज फिर से बैकुंठपुर को आपने छठ जैसे महान पर्व के अवसर पर यह तोहफा दिया है, ये कैसी आपकी शराबबंदी है? और नीतीश कुमार जी, वहां आपका महागठबंधन का विधायक है और आए दिन खबर आ रही है कि बैकुंठपुर के जो दियारा क्षेत्र है वहां शराब का सबसे अधिक निर्माण हो रहा है, जहरीली शराब बनाई जा रही है लगातार। वहां भट्टियों को प्रशासन जाकर के दिखावा के लिए ध्वस्त करता है और एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी, ये सीधा आप पर आरोप है कि बिहार की जनता को जहरीली शराब आप पिला रहे हैं और बिहार की जनता को आप जीते जी मार रहे हैं। और आप कहां गया आपका सुशासन? आप कभी मसरक में घटना होती है तो पूछने नहीं जाते हैं, गोपालगंज में इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई तो पूछने नहीं गए। पहले कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, बाद में हम लोगों के दबाव में आपने मुआवजा दिया। नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपको माफ करेगी नहीं। और आपके जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, जो जापान से लेकर बिहार तक ज्ञान बांट रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप ही के पार्टी का विधायक है बैकुंठपुर में और लगातार आपके इसी टेन्योर में लगातार जहरीली शराब की घटनाएं हो रही हैं, क्या तेजस्वी यादव जी आप भी मिलने जाएंगे उन गरीबों से? ये सब महादलित समाज के लोग हैं, आपके भी समाज का एक दो व्यक्ति है और उसमें और भी कई दूसरे पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। ये बिहार की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी और आप पर हत्या का, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गोपालगंज के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी के कार्यकलाप की जांच होनी चाहिए, तब जाकर के गोपालगंज से जो निर्दोष लोग हैं उनके मरने का यह सिलसिला थमेगा। और गोपालगंज सहित पूरे बिहार में यह वातावरण है, कहने के नाम पे शराबबंदी है और घर घर शराब सप्लाई हो रहा है और उसकी वानगी अभी बैकुंठपुर से मिल रही है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि आप अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजिए और अगले 24 घंटा के अंदर सरकारी स्तर पर इसको पूरी तरह से आप इसका सामने ले आइए कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है और जो परिवार के लोग मरे हैं उनके परिजन को, उनके आश्रित को आप 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया जो मुआवजा सरकार देती है उसके माध्यम से उस परिवार को आप मदद करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आपके सुशासन को उखाड़